स्टूडेंट्स so लेटर एक रिटर्न मैसेज है जो कि एक माध्यम द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक कन्वे किया जाता है मीन्स पहुंचाया जाता है स्टूडेंट्स इट मीनस लेटर क्या है बच्चों एक माध्यम है अपनी बात एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुँचाने के लिए ओके लेटर द्वारा हम अपना मैसेज एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं ठीक है

स्टूडेंट्स फॉर्मल लेटर्स हम उन्हें लिखते हैं जिन्हें हम पर्सनली नहीं जानते हैं ओके स्टूडेंट नाउ सी द फॉर्मेट ऑफ़ फॉर्मल लेटर सो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे कि फॉर्मल लेटर्स किस फॉर्मेट पर लिखा जाता है ओके सो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम हेडिंग में लिखते हैं सेंडर्स एड्रेस डेट एंड रिसीवर्स एड्रेस सेंडर्स एड्रेस क्या होता है बच्चों भेजने वाले का पता जो लेटर ये भेज रहा है उसका पता ओके एंड देन डेट डेट हम मेंशन करते हैं हम किस डेट में ये लेटर भेज रहे हैं उसके बाद हम लिखते हैं रिसीवर्स एड्रेस इट मींस प्राप्त करने वाले का पता जो लेटर ये प्राप्त करेगा उसका एड्रेस ओके okay? स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेंबर हम जो ये इंफॉर्मेशन मैंशन करते हैं फॉर्मल लेटर में वो लेफ्ट हैंड साइड पर आती है ओके नाउ सी नेक्स्ट इंफॉर्मेशन जो हम मैंशन करते हैं वो क्या होता है बच्चों सब्जेक्ट एंड सैल्यूटेशन ओके सब्जेक्ट में हम लिखते हैं कि हम जो ये लेटर लिख रहे हैं उसका सब्जेक्ट क्या है रीजन क्या है राइट right? हमारा लेटर लिखने का रीजन क्या है एंड देन हम लिखते हैं सेल्यूटेशन सेल्यूटेशन में हम क्या लिखते हैं बच्चों डियर सर डियर मैम और रिस्पेक्टेड सर और रिस्पेक्टेड मैम ओके इस तरह से हम उन्हें सेल्यूटेशन देते हैं ओके सो स्टूडेंट्स इस तरह से हम हेडिंग्स देके अपने लेटर को स्टार्ट करते हैं ओके okay? उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है लेटर में बॉडी ऑफ द लेटर ओके सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट ऑफ अ फॉर्मा लेटर इज बॉडी ऑफ द लेटर ओके सो स्टूडेंट्स वट वी हैव टू राइट इन फर्स्ट पैराग्राफ ओके यू हैव टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड मैंशन द रीज़न ओके स्टूडेंट्स बॉडी ऑफ द लेटर में हम फर्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखते हैं बच्चों हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं और जो रीज़न है हमारा लेटर लिखने का उस रीज़न को मैंशन करते हैं ओके सो स्टूडेंट्स Now, what you have to write in second paragraph. So, students, you have to mention detail of the matter. Okay. Second paragraph में हम क्या लिखते हैं बच्चों Detail of the matter. जिस matter या उद्देश्य से हम ये letter लिख रहे हैं उस detail को हम mention करते हैं Okay. उस उद्देश्य के पूरी detail को हम second paragraph में लिखते हैं Okay. And then next part of a formal letter is third paragraph. So, what we have to write in third paragraph? We have to mention. थर्ड पैराग्राफ okay? में बच्चों बारे में बताते हैं रीजन मेंशन करते हैं डिटेल ऑफ द मैटर मेंशन करते हैं उसके बाद हम उसका सोल्यूशन और कंक्लूशन मेंशन करते हैं ओके सो दट हमारे लेटर को एक अच्छी एंडिंग मिल सके ओके ना सीधा नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेटर सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट ऑफ अ लेटर इज कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग ओके हम लेटर की कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग करते हैं राइट सो स्टूडेंट्स कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग में हम ये शो करते हैं कि जो रिसीवर है जिसको लेटर हम लिख रहे हैं वो हमारे लेटर के जो मोटिव है लिखने का उसे कंसिडर करेंगे राइट right? और हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देंगे ओके okay? उसके बाद हम मेंशन करते हैं थैंकिंग यू ओके जो रिसीवर है हम उसे थैंक्स बोलते हैं ओके okay? स्टूडेंट्स उसके बाद हम लिखते हैं योर सिंसियरली और योर्स ओबीडियंटली विच मीन्स आपका आज्ञाकारी ओके एंड देन हम लास्ट में मैंशन करते हैं अपना नेम ओके सो स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेम्बर जो हमारा लास्ट पार्ट है वो भी हमारा लेफ्ट हैंड साइड पर आता है फॉर्मल लेटर में ओके एज यू कैन सी इन दिस फॉर्मेट हमने कहाँ लिखा है लेफ्ट हैंड साइड पे, सो यू हैव टू राइट लाइक दिस ओके सो स्टूडेंट्स आई होप यू ऑल अंडरस्टड टूडेज क्लास इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज़ आस्क टू मी आई एम देयर फॉर यू सो टेक केयर हैव एन आई डे थैंक यू